हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल एडवाइजर पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपोलो कंपनी अपोलो टायर में कैसे जॉब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपोलो टायर एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में फेमस कंपनी है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की मैं पहले बता दूँ कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं नीरज सिंह कन्वर और ओंकार कन्वर। ये दो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये जो कंपनी है वो गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। ये इसका जो हेड ऑफिस है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका हेड ऑफिस है आपका गुड़गांव में। ये गुड़गांव में इसका हेड ऑफिस है। फाउंडर 1972 की कंपनी है। और ये इसकी टर्नओवर 2020-21 की जो फाइनेंशियल ईयर थी उसमें $2.3 बिलियन थी। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से वैकेंसियाँ होती है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई करने के लिए एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट है, एरिया मैकेनिकल इंजीनियर, एचआर हेड, सर्विस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंजीनियर ट्रेनी, सेल्स कोऑर्डिनेट, फील्ड एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, और इसके साथ साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर सीनियर इंजीनियर, टेटी सेल्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इंजीनियर आर एंड डी, सर्विस हेड एंड डिजाइन ऑटो इंटीरियर। तो इन सारे ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं इस कंपनी में। तो इसके लिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम, जो आपके पास में सबसे बेस्ट रिज्यूम होगा एक्सपीरियंस के साथ में, आपको क्या करने होंगे, ये रिज्यूम आपको इस मेल आईडी पे मेल करना है, hrindia@apollotires.com। यदि आप आउट ऑफ इंडिया के हैं तब आपको इस पे मेल करने होंगे hreurope@apollotires.com। इंडियन जो इंडियन है उनको करना होगा hrindia@apollotires.com। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी अपोलो टायर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपोलो कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए मेल आईडी पे आप अपना अपडेटेड रिज्यूम मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कि आप किसी भी कंपनी का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूले, ताकि मैं उस कंपनी में कैसे जाना है सारा इन्फॉर्मेशन रिव्यू बताता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।